हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, इस्मी सरा ज़रा। तो मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करूँगी टोटली मिस रोज़ के प्रोडक्ट से। अच्छा, मैंने पहले अपनी स्किन पे कैमोफ्लेज किया क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स हो रहे थे। तो करेक्टर मैंने यूज़ किया है ऑरेंज, क्योंकि डार्क सर्कल थे ज़्यादा, तो मैंने डार्क करेक्टर यूज़ किया है। उसके बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मुझे लगा कि मेरे पफ पे कुछ है मिसिंग लगा हुआ था। अच्छा, मैंने मिस रोज़ का जो है प्राइमर यूज़ किया था, पर वो मैंने दिखा नहीं पाई, जल्दी 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 फास्ट कर दी थी क्लिप। तो अब मैंने ये जो यूज़ किया है शेड जो है, ये है बेज 2 मिस रोज़ का। ये बिल्कुल शेड मेरे स्किन की तरह ही है, बट लाइटर दिख रहा है। इट्स ओके, मेकअप के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसको लगाया, अच्छे से टैप टैप किया, ब्लेंड किया, रोक दिया था मैंने वीडियोस, ठीक है, ये मत समझिएगा, बस ऐसे ऐसे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया मैंने और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद मैंने कंसीलर यूज़ किया है मिस रोज़ का, और जिन जिन जगहों में मुझे हाईलाइट करना था मैंने वो कर दिया। और उसके बाद मिस रोज़ का लूज पाउडर मैंने यूज़ किया है शेड। अच्छा, मैं वैसे लूज पाउडर में जो शेड यूज़ करती हूँ वो होता है TN9, मतलब यानी कि मैं डार्क शेड यूज़ करती हूँ, लाइट नहीं यूज़ करती। ये या 9 या फिर 10 बहुत मुश्किल से यूज़ करती हूँ, वैसे 9 यूज़ करती हूँ, ठीक है। 38 के हिसाब से 9 में यूज़ करती हूँ शेड, क्योंकि मेरे स्किन टोन पे 38 आता है, और बेज 2 और 38 इस तरह का कुछ फाउंडेशन या फिर स्टिक अगर मैं यूज़ करती हूँ तो ये है। इसके बाद टैप 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 करके आपने लगाना है ताकि आप अच्छे से वो स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए। और मैंने जल्दी से जाके अपना ब्लश ऑन लगा लिया था। इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग भी बोर हो जाते हैं और मुझे भी थोड़ी इजी हो जाती है। तो मैंने जल्दी से ब्लश ऑन किया, अपने आईब्रो फिक्स की। आईब्रोज़ के लिए मैंने एक्वा यूज़ किया था, एक्वा कलर ब्लैक में यूज़ किया था। और उसके बाद मैंने ब्लैक पेंसिल जो है अपने लोअर लैशेस पे और अपर लैशेस पे दोनों बहुत अच्छे से लगा दी। अच्छा, इससे ना आपकी आंखें जो है ना बहुत परमानेंट करके दिखती हैं, और जो मेकअप लुक मुझे क्रिएट करना था उसके लिए ये ज़रूरी था कि मैं इस पर ब्लैक जो है अपनी पेंसिल जो है वो अच्छे से लगाऊँ। अच्छा, ये शेड आप लोगों को पैलेट तो दिख गया होगा, ये Apple 4 का पैलेट है, अच्छा पैलेट है, पिगमेंटेशन अच्छी है, जस्ट ब्रश टच करो और अच्छा सा कलर आ जाता है। तो मैंने इसमें से लाइट ब्राउन शेड लिया, उसको अच्छे से मैंने अपने आईज पर ब्लेंड किया। तो इसके बाद मैंने नीचे आईबॉल पर जो मैंने एक कलर लिया था वो मैरून कलर लिया था, डार्क मैरून कलर, और मैंने अच्छे से, वैसे मेरा इरादा था कि मैं गोल्ड तो कुछ करूं, पर मेरा मूड उस टाइम चेंज हो गया तो मैंने ब्राउन शेड ले लिया, मेहरून शेड लेके उसी किया। और इसी पैलेट से मैंने अपना हाईलाइटर यूज़ किया है, आईब्रोज़ के नीचे मैंने हाईलाइट किया। अच्छा, मैंने कोई भी कलर जो है वो ब्रश वेट करके यूज़ नहीं किया है, बग़ैर वेट किए यूज़ किया है। तो इस तरह मैंने अपनी दोनों आईज पे ये कलर कर लिया था। इसके बाद मैंने लैशेज़ लगाई हैं झटपट सी, अभी आ जाएंगी लगाने के लिए, ठीक है, हल्का सा इनर पे, और बस नीचे लोअर लैशेज़ पे भी मैंने यही ब्राउन कलर उठाया था लाइट सा, वो जो मैंने पेंसिल ब्लैक यूज़ की थी, जस्ट उसके वो मर्ज हो जाए कि वो अच्छी लगे, अलग अलग से ना लगे। तो बस उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, इससे ना आपकी आंखें और भी ज़्यादा हसीन लगती हैं। तो मैंने लैशेज़ लगाई जल्दी से, दो मिनट में लगती नहीं है बट वीडियो में लग गई। और इसके बाद मैंने मिस रोज़ का ही हाइलाइटर यूज़ किया है, मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है, यकीन माने इससे बेहतर तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। पहले हुदा ब्यूटी लगता था, अब वो ख़त्म हो गया है, तो जब से मैं मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ मुझे यकीन माने इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने मिस रोज़ का हाइलाइटर लगाया, थोड़ा सा ले और हर जगह लग जाए, चार जहाँ आपको हाईलाइट करना है वो लगा लें। अच्छा, लिपस्टिक के लिए मैं मिस रोज़ का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, पैलेट की शक्ल आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हो रही है, बट है बहुत अच्छा, ठीक है ना, कलर्स इसमें बहुत अच्छे हैं, लाइट और डार्क आपको दोनों मिल जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा मैरून सा शेड लिया था, रेडिश मैरून अनारी शेड बोलेंगे वो लिया था, और अंदर मैंने ना इसे पिंक, उसी ब्रश से पिंक लगा लिया था, तो वो कलर जो है कुछ इस तरह बन गया था, क्योंकि मैंने ब्रश क्लीन नहीं किया था, उसी ब्रश से मैंने पिंक शेड उठा के लगा लिया था, तो इस तरह का कुछ शेड बन गया था, तो मुझे पसंद भी आया, मैंने चेंज भी नहीं किया। वैसे मुझे थोड़ी सी लाइट लिपस्टिक लगानी थी बट इट्स ओके, ये सूट कर रही थी तो मैंने छोड़ दी, ठीक है।
तो तकरीबन ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेकअप भी पसंद आया होगा। वॉइस ओवर करने का रीज़न ये है कि पता नहीं क्यों मेरी वीडियोस पे कॉपीराइट्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ उसमें गलती। तो मैंने कहा चले इस दफ़ा और हर दफ़ा मैं वॉइस ओवर ही करूँगी ताकि आप लोगों को भी मेकअप के बारे में अच्छे से समझा सकूँ और मेरी वीडियो पे कॉपीराइट्स भी ना आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। मैं हूँ आपकी प्यारी सदा। मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।